और बढ़ते आगे सीकर से आपको खबर बता दें, जहां पर सीकर में यूपी पुलिस के दो कांस्टेबल गिरफ्तार हुए हैं। जी हाँ, इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल चल रही है और दो कांस्टेबल के साथ छह लोगों की और भी गिरफ्तारी हुई है। झुंझुनू चोरी सीमा पर फसोली के पास ये कार्रवाई हुई है। सूची बनकर राजस्थान के रोडवेज बस में घुसने की सवारियों को डरा धमकाकर अपहरण और लूटपाट की वारदात को अंजाम दे रहे थे। दो जनों को अपनी कार में बिठाकर ले गए और झुंझुनू पुलिस ने नाकेबंदी करवाकर छह आरोपियों को पकड़ा है। एक महिला सहित छह आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। यूपी के चोरों को पुलिस का डर दिखाकर ये आरोपी लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे। झुंझुनू की बिसाऊ पुलिस ने झुंझुनू चोरू सीमा पर कासोली के पास ये कार्रवाई की। बिसाऊ की तरफ से आ रही लाल रंग की कार से ये बदमाश पकड़े गए हैं। पुलिस के बैरिकेटिंग तोड़कर भागे और पुलिस पर भी हमला करने की कोशिश की। गिरफ्तार रिंकू सिंह और अमित कुमार यूपी पुलिस में तैनात रहे हैं। राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज किया है और जो अपहृत लोग हैं, जो दो तीन चार, एक लेडीज और तीन चार लोग हैं, उनको भी हम दस्तयाब किया है। लेकिन वहां पर उन्होंने आगे अगर वो मुकदमा दर्ज कराना चाहेंगे तो सदर चूरू में उनको भेज देंगे। हमने यहां पर राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज किया है और उसके उपलक्ष्य में हमने ये छह सात लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी झुंझुनू से इम्तियाज जुड़ेंगे और इम्तियाज से हम जानेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर झुंझुनू पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, कैसे इस मामले का खुलासा हुआ और अब तक की जो कार्रवाई हुई है इसमें क्या अपडेट है। देखिए शिवानी, मैं आपको बता दूं कि ये मामला है, अजीबोगरीब सा मामला लग रहा था एक बार पुलिस को, क्योंकि चूरू से झुंझुनू की तरफ एक रोडवेज बस आ रही थी जिसमें दो लोग बैठे थे और उनको छह लोग है वो अपहरण कर झुंझुनू की तरफ भाग रहे थे। एक बार पुलिस भी असमंजस की स्थिति में आ गई कि आखिर मामला क्या है, क्योंकि रोडवेज में बैठे लोगों ने ये सूचना दी कि आशुतोष की टीम है वो रोडवेज से दो लोगों को गिरफ्तार करके झुंझुनू की तरफ लेके गई है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक जो कार थी उसको रोकने का प्रयास वो किया, लेकिन वो बैरिकेड तोड़ते हुए कार वो भाग गई। लेकिन पुलिस ने नाकाबंदी कर पूरे जिले में उस कार को पकड़ा जिसमें छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिर मामला ये समझ में आया कि उसमें जो दो लोगों को अपहरण किया गया था वो दो लोग संदिग्ध थे, यूपी के रहने वाले थे और ये छह लोग हैं ये भी यूपी के रहने वाले हैं। उनकी जो पहले रिपोर्ट हुई थी और रिपोर्ट करने के बाद उन लोगों को रोडवेज से अपहरण कर अपनी कार में रुकने के झुंझुनू की तरफ भाग रहे थे और पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया है। तो प्रथम दृष्टि समझ में आया कि उसमें ये एक फर्जी एसओजी टीम बनकर कार्रवाई करती है और लोगों से लूटपाट का काम वो करती है। छह लोगों को गिरफ्तार किया गया जिसमें से दो पुलिसकर्मी यूपी पुलिस के हैं वो भी शामिल है, साथ ही उनमें दो महिलाएं हैं वो भी शामिल है। पुलिस के फिलहाल जो बिसाऊ पुलिस है वो छह लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और छह लोगों से पूछताछ कर रही है, क्योंकि इसमें जो एसओजी की फर्जी टीम बनकर ये कार्रवाई करते हैं इसका जो मुख्य सरगना है उसको भी गिरफ्तार किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस ने बताया कि इन छह लोगों से और मुख्य सरगना जो एसओजी की फर्जी टीम बनकर कार्रवाई करते हैं, लूटपाट करते हैं, उन लोगों से पूछताछ की जा रही है कि बाकी कहां कहां इसी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। जी बिल्कुल इम्तियाज, देखिए एक बड़ा खुलासा हुआ है, झुंझुनू पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। छह आरोपियों की जो गिरफ्तारी हुई है, अब तक की पूछताछ में क्या कोई जानकारी निकल कर सामने आई है? क्या पहले भी इन छह आरोपियों की तरफ से ऐसी वारदातों को अंजाम दिया गया था? कहाँ कहाँ इस तरीके की वारदातें हुई है, कुछ खुलासा हो पाया है? पुलिस से लगातार हम अपडेट ले रहे हैं, पुलिस ने कहा है कि उसकी पूछताछ है वो लगातार जारी है, क्योंकि ये तो बात है कि जो मुख्य सरगना है तो कहीं ना कहीं डाक वारदातें भी की है और ये झुंझुनू पुलिस ने इन्होंने पकड़ा है, तो ये तो झुंझुनू की घटना है। लेकिन बाकी जो कहाँ कहाँ वारदातें की, चाहे वो यूपी में हो, राजस्थान में हो या फिर हरियाणा में हो, इन तमाम जगहों की खुलासा वो किया जा रहा है, तो उनसे लगातार पूछताछ वो जारी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि और क्या खुलासे होते हैं कि झुंझुनू में या राजस्थान में और ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया है या फिर यही जो पहली घटना है जो बिसाऊ में की गई है। ठीक है इम्तियाज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।